नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थोड़ा प्रताप अकैडमी दे थोड़े फेवरेट यूट्यूब चैनल ते। ते अज आपां करांगे जो अपना प्रैक्टिस सैशन चल रहा सीगा मैथ दा, और मैं कहा सी थोनू मैं कंप्लीट प्रैक्टिस कराऊंगा, सिंगल क्वेश्चन भी पेपर दे विच बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस दे विच आपां कर रहे सीगे, सब तो पहला आपां चैप्टर चक्या सी एवरेज, और एवरेज दी अज क्लास नंबर हैगी है 2, और डेली 12 बजे आपां इह सैशन करदे हां, डेली 12 बजे दुपहरे, यानी चाहे लाइव है चाहे रिकॉर्डेड है, थोनू क्लास डेली 12 बजे मिलेगी। और आज दी क्लास भी मैं रिकॉर्ड ही कर रहे हैं क्योंकि मैं भी कितने जाना पै सकता है ता करके, ठीक है। एक काली मैं थोनू इन्फॉर्म करता सी, पर थोड़ी क्लास नहीं खराब होनी चाहिए। और जिन्हें भी न्यू बच्चे हैं उन्होंने मैं एक गल दस दिना है कि सब तो पहला तो तुसी प्रताप अकैडमी का टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, उस तो बाद यह मेरी इंस्टाग्राम आई डी है, कोई डाउट होवे कॉल कर लियो, उस तो बाद यह 2 अकैडमी के नंबर है इन्हों से कॉल कर लियो। यह प्रताप अकैडमी की ऐप है, यह प्रताप अकैडमी का iOS की ऐप है, अगर कोई डाउट है तो तुसी डायरेक्ट इन नंबर से कॉल कर सकते हो, बट यह ऐप डाउनलोड कर लो ताकि थोड़ा आने वाले एग्जाम के हेल्प मिले, ठीक है। उस तो बाद यह भाई पंजाब पुलिस के अपना यह रिकॉर्डेड बैच है, और इस बैच की वैलिडिटी टिल एग्जाम तक है, ठीक है, टिल एग्जाम के है। दूजी गल ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली कॉन्सटेबल का ही सिलेबस मिलेगा, ऑफिशियली कॉन्सटेबल का सिलेबस मिलता है ये, ठीक है, ऑफिशियली कॉन्सटेबल का सिलेबस मिलता है। और जिदे लिए मैं हमेशा थोनू कहना कि अगर थोनू सिलेक्शन चाहिए है तो अपना इको एक रिकॉर्डेड बैच चलता है, वह है सिलेक्शन बैच, ये सारिया रिकॉर्डेड क्लासेज अवेलेबल ने, ठीक है। इस बैच तो बाहर थोनू कुछ भी नहीं पढ़ना, प्लस जेड़ा मैं YT ते यानी YouTube ते चाहे मैं हाँ चाहे अंकित सर है चाहे बब्बर सर है, ठीक है, थोनू प्रैक्टिस करा रहे हैं, वह प्रैक्टिस करनी है थोड़ी भाई सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। चलिए उस तो बाद यह रीजनिंग दे चैप्टर है सारे, और यह पोलिटी दियाँ क्लासा है, ठीक है, जिड़ियाँ कि 5 बजे शाम को अंकित सर पढ़ाते हैं पोलिटी। चलो हूँ आप बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 30 क्वेश्चन आप कर ले सीगे, और अज दे क्लास दे विच थोड़े क्वेश्चन बढ़िया लैवल दे होंगे। चलो लैट स्टार्ट द क्लास, ठीक है। कहरे कहरे एक दफ्तर दे विच सारे 200 कर्मचारियों का औसत भार किन्ना है, तुसी कहो जी 68.2 किलोग्राम, तो 200 कर्मचारी है, 200 कर्मचारियों का भार किन्ना है, तुसी कहो 68.2, यह औसत है, दिस विल बी द एवरेज, आह एवरेज होगी, तो भाई सम किन्ना होया पहला एवें दसो, सम किन्ना हो गया, तुसी कहो सर 200 नूं जे गुणा कर दूंगा मैं 68.2 दे नाल तां यह अपना सम हो जाए, ठीक है। हुण देखो कह रहे जिथे 2/5 कर्मचारी औरतां हन तां टोटल कर्मचारी किन्ने है 5, तां इहदे विचों वूमेन किन्नियां ने, पहला मैं एवं दसो तो वूमेन 2 है, तो बाकी किनिया बच गए, बाकी मैन किन्ने बच गए, मैन बच गए जी 3, क्यों, क्योंकि टोटल 5 ने, ठीक है। आह चीज़ की है, ये रेशियो दे विच है सर, ये नंबर ऑफ परसन की है, ये नंबर ऑफ परसन रेशियो दे विच है, रेशियो दे विच है, क्या नंबर ऑफ परसन, नंबर ऑफ परसन या कैंडीडेट, नंबर ऑफ परसन या कैंडीडेट, ये की है, ये रेशियो दे विच है भाई, इहदे विच है रेशियो दे विच है। उस तो बाद की कह रहे, कह रहे एक पुरुष अते औरत दे औसत भार दा अनुपात, हुण एवरेज, एवरेज भी आपां नूं किस च दे रखी है, रेशियो च दे रखी है, एवरेज भी आपां नूं किस च दे रखी है, रेशियो च दे रखी है, वह भी पुरुष, पुरुष का किन्ना दे रखा है, देखो पुरुष का दे रखा है भाई 7, तो मैं 7 लिख लिया, ठीक है। वूमेन का किन्ना दे रखा है 5, तो वूमेन का मैं 5 लिख लिया, देखो कई बार गलती की कर दें, तुसी सीधा 7-5 लिख लेने हो, अगर मैं पहला वूमेन लिखा है तो पहला वूमेन का लिखूँगा, तो मेरी गल गौर नाल सुनो, हुण आह की है सर, दिस विल बी द रेशियो दे विच नंबर ऑफ परसन, और यह रेशियो दे विच की है एवरेज, तो आह सम भी की आ जूगा मेरे को रेशियो दे विच, आ सम भी की आ गया, सम, सम भी रेशियो दे विच ही आया, तो तुसी क्या 5×10 प्लस दे विच, प्लस दे विच 7×21, यानी कि मैन का सम किन्ना है 10, और सॉरी वूमेन का सम किन्ना है 10, और मैन का सम किन्ना है 21, यानी टोटल किन्ना है, टोटल है 31,
टोटल किन्ना है, टोटल है 31। और 31 की वैल्यू, 31 की वैल्यू आपां नूं किन्नी दे रखी है, 31 की वैल्यू दे रखी है सर 200 गुणा दे विच 68.2 किन्नी दे रखी है, 68.2 रे रखी है। या तो तुसीं इहनूं इहदे नाल गुणा कर लो, या मैनूं एवें दसो किन्ने मल्टीपल ते है ये। तो मैं क्या, अगर मैं 31 नूं कढ दूं तां 31 दूणा हुंदे है जी 62, फिर 6 31, यानी 2.2 नूं इहदे नाल 44, यानी कि 440 गुणा ते है। किन्ने गुणा ते आ गया, 440 गुणा ते। हुण अगर ये नहीं समझ आता तो भाई मैं कई बार ये दस्या वै, हुण बारी बारी ये चीज़ां दसण वालियां नहीं रही। आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कह रहा है 200 नूं मैं उहदे नाल क्यों नहीं गुणा करिया, क्योंकि मैनूं कट्टना ही है। आ इस तरीके नाल आया, तो जो मैंने 31 दे नाल कट्टिया तो आ गया 31 दूणा दे 62, आ गया पॉइंट 31 दूणा 62, आ गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है, 22 दूणा 44, आ 44 आ गया, आ गया 2 जीरो, एक दे बाद पॉइंट आ लो, यानी 440 मल्टीपल ते आ गया। तुसी क्या, बिल्कुल 440 मल्टीपल ते आ गया। हुण मेरी गल नूं गौर नाल सुनो, तुसी क्या सर, आ देखो टोटल नंबर ऑफ कैंडीडेट किन्ने ने, इत्थे इहदा मतलब अपना टोटल रेशियो सम किन्ना आया वूमेन दा, तां वूमेन दा जो सम आया है जी वह आया अपने कोले आ लो 10 दे नाल होर गुणा हो गया, यानी आह एक्चुअल सम आ गया। आह की आ गया अपने कोले, एक्चुअल सम आ गया किन्ना दा, वूमेन दा। एक्चुअल सम आ गया किन्ना दा, वूमेन दा। एक्चुअल सम यानी कि आ रेशियो च सीगा, आ एक्चुअल सी, आपां कंपेयर करिया ते एक्चुअल सम आ गया। हुण मेरी गल सुनो, टोटल स्टूडेंट किन्ने ने, 5 ने, लेकिन 5 थोड़ी है, 5 तां रेशियो दे विच इन्हां ने कहा 200 कर्मचारी ने, सॉरी स्टूडेंट नहीं कर्मचारी, किन्ने गुणा ते है भाई 40 गुणा ते। इहदा मतलब एग्जैक्टली वूमेन किन्नियां होणगियां, एग्जैक्टली वूमेन किन्नियां होणगियां, तुसीं कहा जी 80 होणगियां वूमेन, तां तुहानूं एग्जैक्टली जो रियलिटी है औरत कर्मचारियों का पुछया सीगा, तां तुसीं कहोगे देखो सर सम किन्ना है जो रियलिटी दे विच है वह है जी 4400, ते वूमेन हैगियां किन्नियां, टोटल टोटल वूमेन हैगियां जी 80, टोटल वूमेन किन्नियां है 80 है सर। जीरो दे जाल जीरो कट दो, 8540 ते 8540, यानी कि वूमेन दा जो एवरेज आएगा वह आएगा 55, एंड आंसर आ जाएगा 55, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस तो बाद आ क्वेश्चन की है, आ क्वेश्चन भी बहुत आसान है। की कह रहा है, कह रहा है एवरेज एक्सपेंडिचर पर आर्टिकल दा पूछा है। कह रहा है रवि ने 5 पेन खरीदे हैं, भाई रवि ने 5 पेन किन्ने दे खरीदे हैं पहला ए दसो। तो रवि ने 5 पेन खरीदे, कह रहा है 150 रुपये का एक पेन खरीदया है, हरेक पेन की कीमत 150 रुपये है, दो पेंसिल खरीदिया है, दो पेंसिल की कीमत कितनी है पहले एवं दसो, 100 रुपये है सर। 3 नोटबुक खरीदिया ने, 3 नोटबुक खरीदिया ने, 3 नोटबुक की कीमत कितनी है, 250 रुपये है। मैनू हरेक पेन का पूछा है, 5 ते 2 7 ते 3 10, यानी टोटल आर्टिकल हैगे है 10। तो मैं कहा इहनू आपां एवें लिख सकते हैं 100 + 150, तुसीं क्या बिल्कुल लिख सकते हैं जी। इत्थे किन्ना टोटल एक्स्ट्रा हो गया, तो 3 दे 3 बंदियां ते 150 एक्स्ट्रा, यानी कि 450 तो यह हो गया, ठीक है। और इत्थे इहनू किवें लिख सकते हैं, इहनू लिख सकते हैं 100 + दे विच 50 बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 5 दे 5 बंदियां ते 50 50, 250 यह एक्स्ट्रा हो गया, तो 250 और 450 तो यह हो गया। तो तुसीं कहोगे देखो सर एवरेज 100 तो रहेगी रहेगी, प्लस प्लस किन्ना होगा, तो 450 और 250 किन्ना हुंदा है, 7 किन्ना हुंदा है भाई, 500 ते 2 700, 700 नूं डिवाइड किहदे विच करना है, छेती दसो, तुसीं क्या 10 बंदियां दे विच डिवाइड कर दो, यानी 100 + 70, यानी 170 आ गया, एंसर विल बी 170। इत्थों तक किसी भी बच्चे नूं कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एंसर आ गया 170। टेक अ स्क्रीनशॉट और कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एक जमात दे 17 विद्यार्थियों की औसत भार 56 किलो है, कह रहा 3 नवे विद्यार्थी जिन्हों का वजन क्रमवार 57, 62 और 68 किलो है क्लास विच शामिल हुए, इसका मतलब क्या है। देखिए
ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗੀ 56 ਹੁਣ 3 ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ 3 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹ 3 ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਲਓ 3 ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਹ 57 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਹ 62 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਹ 68 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਗਰ 56 ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ 56 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 1 ਆਹ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦੱਸੋ 4 ਤੇ 2 6 ਆਹ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 12 ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 56 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ 56 ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਤੇ 6 18 ਤੇ 1 19 ਸਰ ਆਹ ਸਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਹੁਣ 17 ਔਰ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਯਾਨੀ 19/20 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 19/20 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0.95 ਯਾਨੀ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.95 ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਐਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 56.95 ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੀਏ ਬਾਈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 8 ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਈ 4 ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀਆਂ 4 ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 8 ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਓਡ ਔਰ ਈਵਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਊ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 9.35 ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੀਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਦਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਰੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਹ 1-1 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨ ਆ ਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਿਓ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂਸਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸ ਬੀ ਏ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਰ ਮੰਥ ਦੀ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੋ ਅਗਰ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ 600 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਅਗਰ 600 ਰੁਪਏ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਆ ਹੋਜੂ 1800 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਜੂਗੀ ਯਾਨੀ 18,000 ਹੋਜੂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਹ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਡੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਫਿਰ ਇਹ 750 ਇਹ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 40 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਾਂ ਸੋਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਇਹ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਕਿਆ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਇਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਇਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 5-4-1 ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਅੱਜ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਦਊਂਗਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 5 ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 33 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਗੁਣਨ ਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 2 ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 × 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਨੀ 4 ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਆਜੂਗੀ 27 ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਆਜੂਗੀ 29 ਔਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਆਜੂਗੀ 4 ਜੋੜ ਦਿਓ 37 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ 7 ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 63
यानी 1073। 1073 याद रखियो, ठीक है। मैं किमें कर लिया, मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट दे नाल ही कर लिया। नैक्सट कह रहा 15 तो घट सारिया अबाध संख्या की अंदाजन औसत किन्नी है, तो 15 तो घट नंबर प्राइम नंबर जेडे हुंदे है भाई, ये रट्टा मार लो इन्हां चीज़ां दा, 2, 3, 5, 7, 11 ते 13 अबाज संख्या हुंदियां जेडियां 15 तो छोटियां है, तो 10, 17 ते 11, 28, 28 ते 13 हुंदे है जी 41 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटे दे विच 6, यानी कि 5, 31, 5, 7, 35 आ गया, 6, 60, 35 अरे 7, 6, 42 होंगे है ना, 6, 6, 36, 36.50 आ गया, 5 रह गया, 36 आने तो बाद 5 रह गया 0, फिर उस तो बाद 8, 6, 48 फिर 6, 3, 18 यानी अप्रोक्सीमेशन होंगी है 6.83। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 47 लगातार कुदरती संख्यावां दी औसत 99 है, इन्हां संख्यावां विचों सब तो बड़ी संख्या केड़ी है, तो 47 है और एक कुदरती संख्या है भाई, एक गल सुनो, ये 99 है, ये 47वां हो गया, इस तो पहला इस तो बाद 23 होंगे, बिल्कुल होंगे, तो 23 जोड़ दो, 99 दे विच 23 जोड़ेंगे 122 आ गया। एवें बिल्कुल लोलीपॉप जे कई क्वेश्चन हैगे और पेपर दे विच आए हुए है भाई, 2021 CHSL इन्हां दे पेपरां दे चैक करोगे तो तुहानूं पता लग जूगा, ठीक है। आ की है पी क्यू दी औसत, पी और क्यू दी औसत आ जाओ, पी और क्यू दी औसत किन्नी हुंदी है, औसत लिखूंगा बटे दे विच 2 हुंदा है। कह रहा फिर क्यू आर दी औसत दा अंतर, क्यू और प्लस दे विच मैं लिख लिया आर और बटे दे विच की लिख लिया 2, इन्हां दी औसत दा जो अंतर है वो किन्ना है 25, किन्ना है 25 है, आ माइनस हैगा, आए मैं माइनस कर दा अंतर, तो ये 2 उधर जाके 50 हो गया, यानी मैं लिख सकता हूँ पी क्यू माइनस दे विच क्यू माइनस दे विच आर और बराबर 50 लिख सकते हैं, तो क्या बिल्कुल लिख सकते, आ क्यू दे नाल क्यू कटे गया, यानी पी माइनस आर किन्ना आ गया 50 आ गया, आही थोड़े तो पूछा सी, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन कह रहे 2 नंबर एक्स ते वाई हैं, एक्स का 40% है ते वाई का 60% दे बराबर है, यानी एक गल सुन, एक्स का जो 40% है वो वाई दे 60% दे बराबर है, 2 दूनी हो गया 4, 2 3 हो गया जी 6, यानी एक्स की वैल्यू होगी 3, वाई की वैल्यू होगी 2, ठीक है, एक्स की वैल्यू होगी 3 तो वाई की वैल्यू होगी 2, ठीक है भाई। फिर कह रहा है जेकर एक्स ते वाई की औसत, हुण औसत अपने कोले टोटल किन्ना आ गया 5 और इन्हां ने की दे रखी है एवरेज, किन्नी दे रखी है 225, किन्नी दे रखी है 225, आपां नूं लिखना की है सम लिखना है, तो 225 गुणा दे विच आपां लिखांगे भाई सम 2 दे नाल, किन्ने गुणा ते है, तो देखो मेरी गल नूं गौर नाल सुनो, 225 दा मतलब हुंदा है 45 5 225 हुंदे है, बिल्कुल, तो 45 5 225 45 2 90 इहदा मतलब 90 गुणा ते बैठा है, तुसीं चैक करके देख लिओ इह 90 गुणा ते होऊगा, क्यों 45 इधरों आ गया 90 गुणा ते होगा, समझ आ गया। तो हुण तुहानूं की पुछया है, कह रहा है एक्स और वाई दे विच अंतर किन्ना है, तो एक्स और वाई दे विच यानी एक और एक दी वैल्यू भी किन्नी है जी 90 है, इदां दा क्वेश्चन आपां कल करिया सी, देखो आपां सारे करांगे, तुसीं एवें ना सोचो, ठीक है, क्लीयर है, होप सो तुहानूं समझ आ रही होनी बहुत बेहतरीन और चंगे तरीके नाल, ठीक है, क्लीयर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की कह रहा है, कह रहा है द करंट एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मैंबर, मतलब अज की एज 5 बंदे है, 5 मैंबर की जो अज की एज है वह किन्नी है, 24 साल है, 24 साल है, यानी टोटल 120 साल के हो गए, ठीक है। अगली लाइन पढ़ो, कह रहा है इफ द प्रजेंट एज ऑफ ए यंगेस्ट मैंबर इन द फैमिली इज 8 ईयर, वट वॉज द एवरेज एज ऑफ फैमिली जस्ट बिफोर हिज बर्थ ऑफ यंगेस्ट मैंबर, तो एक गल सुन, आ किन्ने 120, ये पता की गल कह रहा, सुन दे रहे हो, एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे,
ਇਹ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 120 ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਇੱਥੇ 5 ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਰ ਇਹ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੱਸੋ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ 8 8 8 8 ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਘਟਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 16 ਹੋ ਗਈ ਐਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16 ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 16 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ 8 8 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘਟੂਗੀ ਕਿੰਨੀ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਘਟਾ ਦਿਉ 5 ਦੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ 40 ਘਟਾ ਦਿਉ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 80 80 ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 80 ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ 80 ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ 8 ਔਰ 8 5 ਦੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 16 ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਨੀ 8 ਸਾਲ ਇਹ ਘਟੂਗੀ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਔਰ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਨਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 1 2 3 4 5 40 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਘਟਾਤਾ ਯਾਨੀ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 80 ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਸਰ ਇਹ ਜਣੇ ਸੀਗੇ 4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਓ 20 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਨੋਟ ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਲੀਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 20 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੀ ਔਸਤ ਪੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 58 ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਸਤ ਪੀ ਮਾਈਨਸ 2 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਸਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀ ਮਾਈਨਸ 2 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 20 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ 20 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਪਤਾ ਹੈ ਪੀ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ 58 ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਆ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੋਗੀ ਮਾਈਨਸ 2 ਹੋਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ 58 ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਈਨਸ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਉਹ 2 ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 20 ਦੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ 20 × 40 ਔਰ 58 ਹੁੰਦਾ 98 ਐਂਸਰ ਆ ਜੂ 98 ਯਾਨੀ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ 98 ਸੋਰੀ ਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਹੈ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 30 ਹੈ ਤਾਂ ਸਮ 60 ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਸਮ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 3 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60 ਤਾਂ 20 ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਆ ਗਿਆ ਹੋਪ ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਟ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਿਆ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਊਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ 45 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 45 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ठीक है, विद्यार्थियों की गिनती कितनी बच जाती है, पांच बच जाती है। तो इन्हां विच की गल हैगी है, सुनो, विद्यार्थियों की गिनती कितनी बच जाती है, विद्यार्थियों की गिनती बच जाती है पांच, और हरेक दिन का खर्चा, हरेक दिन का खर्चा कितना बच जाता है, सुनो, हरेक दिन का खर्चा जो पर हैड टोटल खर्चा है, टोटल खर्चा 30 रुपए बच जाता है, और हरेक बच्चे ते 2 रुपए घट खर्च होता है। तो मैं कहा भाई जेड़ा 2-2 रुपए घट खर्च होता है असी नहीं करना, जाओ कर लो, की करते हो तुसी, पंजाह दे पंजाह बंदे ते 2-2, तो तुसी कहोगे सर पांच बंदयां दे आए दे नाल 5 × 2 = 10, 130 हो गया कि नहीं हो गया, तो एक बंदे का किन्ना हो गया, एक बंदे का खर्चा किन्ना है, 26 है, और थोनू पूछे की है, थोनू पूछे है टोटल इनकम, तो एक बंदे का खर्चा पहला 45 सीगा, तो तुसी 26 दे नाल इहनू मल्टीप्लाई कर लो, 1040 हुंदा 26 चौके, यानी 45 नूं एवें लिख सकते हैं आपां, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 26 चौके हो गए 1040, तो 26 पांजे हो गया जी 130, यानी 0711 अगर थोनू कितने दिखता हो तो आंसर आजूगा, आंसर विल बी डी 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 डी। ठीक है, हुण ये तुसी समझोगे भी ये कितों आया, तो देखो ये मैं बहुत चंगे तरीके नाल समझाया है कि असी अज भी खर्चा उही रखना है जो पहले नाल है, तो जेडे नवे बच्चे उन्होंने मे भी ये तरीका नहीं समझ आया होना, अज तक वह सिर्फ इन एक्स नाल करते होने, बट प्रताप अकैडमी के स्टूडेंट नूं समझ आ गया होना। नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन की है, ठीक है, हैलो तो इन्ना क मैं थोनू हिंट देता है, हुण तुसी अपने आप करना, एक बारी थोड़े लिए होमवर्क है, अज दो क्वेश्चन मैं थोनू कहा है कि होमवर्क दे लिए दूंगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा पांच लगातार टांक संख्यावां दी औसत 33 है, इन्हां विच्चों पंजां विच्चों सब तो छोटी अते सब तो वड्डी दा गुणन फल की होएगा। तो सब तो पहली गल, अगर टांक संख्या है और छोटी है तो दो सर इस तो छोटियां होणगियां, दो इस तो वड्डियां होणगियां, ता ए दो दुनी दे विच चार कर दो, यानी चार इस तो कट करो, यानी कि छोटी संख्या आजूगी 27, ठीक है, छोटी संख्या आजूगी 29, और बड़ी संख्या आजूगी 4 जोड़ दो 37, ठीक है, एदा ते एदा गुणा पूछा है, 7 निवें हुंदा है 63, यानी 1073, 1073 याद रखियो, ठीक है, मैं किवें कर लिया, मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट दे नाल ही कर लिया। नैक्सट कह रहा 15 तो घट सारिया अबाध संख्या की अंदाजन औसत किन्नी है, तो 15 तो घट नंबर प्राइम नंबर जेडे होंगे है भाई, ये रट्टा मार लो इन्हों चीज़ों का, 2, 3, 5, 7, 11 ते 13 अबाध संख्या होंगे जड़िया 15 तो छोटिया, तो 10, 17, 11, 28, 28 ते 13 होंगे जी 41 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटे दे विच 6, यानी कि 5, 31, 5, 7, 35 आ गया, 6, 60 35 अरे 7, 6, 42 होंगे है ना, 6×6=36 पॉइंट 50 आ गया, 5 रह गया, 36 आने तो बाद 5 रह गया 0, तो उस तो बाद 8×6=48, फिर 6×3=18, यानी अप्रोक्सीमेशन होंगी है 6.83। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 47 लगातार कुदरती संख्यावां दी औसत 99 है, इन्हां संख्यावां विचों सब तो बड़ी संख्या केड़ी है, तो 47 है और एक कुदरती संख्या है भाई, एक गल सुनो, ये 99 है, ये 47वां हो गया, इस तो पहला इस तो बाद 23 होणगे, बिल्कुल होणगे, तो 23 जोड़ दो, 99 दे विच 23 जोड़ांगे 122 आ गया, एवें बिल्कुल लोलीपॉप जे कई क्वेश्चन हैगे और पेपर दे विच आए हुए है भाई, 2021 CHSL इन्हां दे पेपरां दे चैक करोगे तो तुहानूं पता लग जूगा। ठीक है, आ की है पी क्यू की औसत, पी और क्यू की औसत आ जाओ, पी और क्यू की औसत किन्नी होंदी है, औसत लिखूंगा बटे दे विच 2 होंदा है, कह रहा फिर क्यू आर की औसत का अंतर, क्यू और प्लस के मैं लिख लिया आर और बटे दे की लिख लिया 2, इन्हों की औसत का जो अंतर है वह कि है 25, कि है 25 है, आ माइनस है, आए मैं माइनस कर अंतर, तो यह 2 उधर जाके 50 हो गया, यानी मैं लिख सकता पी क्यू माइनस के क्यू
माइनस के विच आर और बराबर 50 लिख सकते हैं, तो ठीक है बिल्कुल लिख सकते हैं। आ क्यू दे नाल क्यू कटे गया यानी बी माइनस आर कि आ गया 50 आ गया, आही थोड़े तो पूछा सी। ठीक है नैक्सट क्वेश्चन कह रहे दो नंबर एक्स है वाई हैं, एक्स का 40% है तो वाई का 60% के बराबर है, यानी एक गल सुनो एक्स का जो 40% है वो वाई दे 60% के बराबर है, दो दुनी हो गया चार, दो ती हो गया जी छे, यानी एक्स की वैल्यू होगी 3, वाई की वैल्यू होगी 2। ठीक है एक्स की वैल्यू होगी 3 तो वाई की वैल्यू होगी 2। ठीक है भाई फिर कह रहा है जेकर एक्स ते वाई की औसत, हुण औसत अपने कोले टोटल किन्ना आ गया 5 और इन्होंने की दे रखी है एवरेज किन्नी दे रखी है 225, किन्नी दे रखी है 225। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 225 ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਮ 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, 225 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 45, 5 225 ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ 45 5 225 45 ਦੂਣਾ 90 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90 ਗੁਣਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹ 90 ਗੁਣਾ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ 45 ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ 90 ਗੁਣਾ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 1 ਔਰ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 90 ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਕਰੰਟ ਏਜ ਆਫ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 5 ਮੈਂਬਰ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਏਜ 5 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਏਜ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 24 ਸਾਲ ਹੈ, 24 ਸਾਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 120 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਫ ਦਾ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਏ ਯੰਗੈਸਟ ਮੈਂਬਰ ਇਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ 8 ਈਅਰ, ਵਟ ਵੋਜ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਬਰਥ ਆਫ ਯੰਗੈਸਟ ਮੈਂਬਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਕਿੰਨੇ 120, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ, 3 ਬੰਦੇ, 4 ਬੰਦੇ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ 120। ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਇਹ ਇੱਥੇ 5 ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੱਸੋ, 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਤਾਂ 8 8 8 8 ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਘਟਾ ਦਿਉ, ਓਬੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 16 ਹੋ ਗਈ, ਐਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16 ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 16। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ 8 8 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘਟੂਗੀ ਕਿੰਨੀ ਘਟੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਘਟਾ ਦਿਉ, 5 ਦੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ 40 ਘਟਾ ਦਿਉ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 80। 80 ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, 80 ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ 80 ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, 8 ਔਰ 8 5 ਦੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਗਈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 16 ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ 8 ਸਾਲ ਇਹ ਘਟੂਗੀ, 8 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ, 8 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ, 8 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਔਰ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਨਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 1 2 3 4 5 40 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਘਟਾਤਾ, ਯਾਨੀ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, 80 ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਣੇ ਸੀਗੇ 4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, 4 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਓ, 20 ਸਾਲ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਇਹ, 20 ਸਾਲ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਨੋਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 20 ਸਾਲ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ
नहीं होनी चाहिए। चलिए नैक्सट क्वेश्चन कह रहा है भी संख्यावां दे एक सैट की औसत पी है, जेकर सैट के विचों संख्या नूं 58 दे नाल बदलिया जाए तो औसत पी माइनस 2 हो जाता है। औसत की हो जाता है पी माइनस 2 हो जाता है। तो क्वेश्चन नूं समझो भाई यह की कह रहा है, कह रहा 20 संख्यावां सीगियां और 20 संख्यावां दा एवरेज सानूं नहीं पता किन्ना सीगा बट पता है पी सीगा। हुण इक गल दसो यार, इन्होंने कहा एक जेकर सैट दे विचों एक संख्या यानी एक बंदा इस ग्रुप चो चलिया गया 58 वाला, अगर इस ग्रुप दे विच 58 वाला ही बंदा आंदा तां एवरेज दे विच कोई फर्क नहीं पैना सी। पर एक गल दसो आ एवरेज की होगी माइनस 2 होगी, इहदा मतलब जिहड़ा बंदा आया है वो माइनस 2 हो जाती है। ठीक है, तो बदली गई संख्या का मूल की है? अच्छा फिर जेकर सैट विच एक संख्या 58 नाल बदलिया जाता है, अच्छा ठीक है इहदे विचों नहीं गया आ नवां बंदा आया है और आने तो बाद भी माइनस 2 हो गया, इहदा मतलब जिहड़ा बंदा गया सी ग्रुप दे विचों भाई वह 2 वध लेके गया है और किन्ने बंदियां दा 20 दे 20 बंदियां दा, तां 20 दूना 40 और 58 हुंदा 98, आंसर आजू 98 यानी पी दी वैल्यू सीगी 98, सॉरी पी दी नहीं जिहड़ा बंदा बदलिया गया है। दो नंबर अजिहे हन कि पहला नंबर दूजे नंबर तो 2 गुणा है, सर पहला नंबर दूजे नंबर तो 2 गुणा है, पहला नंबर दूजे नंबर तो 2 गुणा है, जेकर उन्हों की औसत औसत 30 है तो सम 60 होगा और सम इतने किन्ना दे रखा है 3 दे रखा है, 3 की वैल्यू किन्नी है 60, तो 20 यानी थोनू पूछे की है इन्हों के बीच का अंतर पूछे है तो 20 आ गया। समझ आ गई है कि ना आ गया 20 आ गया। होप सो यह क्वेश्चन तो थोड़ा हूँ रट गए होने, आह क्वेश्चन भी क्या ही बेहतरीन लैवल का है। मैं एक्स मैथड नाल नहीं करूँगा भाई, ठीक है मैं एक्स मैथड नाल नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके नाल चीज़ां कराऊँगा। किमें कह रहा एक होस्टल 45 विद्यार्थी रहिंदे हन, कह रहा जेकर विद्यार्थियों की गिनती 5 बज जाती है, 45 विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों की गिनती कितनी बच जाती है 5 बच जाती है। ठीक है विद्यार्थियों की गिनती कितनी बच जाती है 5 बच जाती है, तो इन्हां विच की गल हैगी है सुनो, विद्यार्थियों की गिनती कितनी बच जाती है, विद्यार्थियों की गिनती बच जाती है 5 और हरेक दिन का खर्चा कितना बच जाता है सुनो, हरेक दिन का खर्चा जो पर हैड टोटल खर्चा है, टोटल खर्चा 30 रुपए बच जाता है और हरेक बच्चे ते 2 रुपए घट खर्च होंदा है। तो मैं कहा भाई जेड़ा 2-2 रुपए घट खर्च होंदा है असी नहीं करना, जाओ कर लो की करते हो तुसी, तो 50 दे 50 बंदे ते 2-2 तो तुसी कहोगे सर 5 बंदियां दे आए दे नाल 5 दूनी 10 130 हो गया कि नहीं हो गया, तो एक बंदे का किन्ना हो गया, एक बंदे का खर्चा किन्ना है 26 है और थोनू पूछा की है, थोनू पूछा है टोटल इनकम, तो एक बंदे का खर्चा पहला 45 सीगा तो तुसी 26 दे नाल इहनू मल्टीप्लाई कर लो 1040 हुंदा 26 चौके यानी 45 नू एवें लिख सकते हैं आप बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 26 चौके हो गए 1040 ते 26 5 हो गया जी 130 यानी 0711 अगर थोनू किते दिखदा होवे ਉਹ ਐਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਐਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਡੀ 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 ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਬਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਲੋ कह रहे भी मंडे तो लेके थर्सडे तक यानी मंडे तो लेके वीरवार तक, सोमवार तो लेके सोमवार मंगलवार बुधवार ते वीरवार तक तापमान कितना सीगा, तुसी कहा जी 39.25 सीगा। ठीक है कह रहे वीरवार तो लेके यानी वीरवार शुक्रवार शनिवार ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਈ 40.5। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ ਦਾ
फ्रॉम मंडे टू लेके संडे तक इन्ना टोटल होवे। यानी एक्चुअल दे विच ना एक क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन नु इस तरीके नाल करो भी चारां दा, क्योंकि इन्होंने वीरवार का पूछा तो चार का किन्ना सी, तुसीं कहा जी 39.5 सी, 39.25 सी, फिर चार का किन्ना सीगा, तुसीं कहा 40.25 सी। तां बस मैनूं टोटल सत्त दिनों का दस दो किन्ना सी, तां सत्त दिनों का सीगा जी 277.5 डिवाइड बाय मैं करिया सत्त, तां सत्त ही 21 हो गया जी, 667 सत्त नीमा हो गया जी 63 और 4 यानी कि ये कटे नहीं जाना क्या, सत्त ही 21 667 सत्त नीम 63 4 45 कटे नहीं जाना है, हैं कटे नहीं जा रहा, अगर कटे नहीं जा रहा तो भाई फिर अपने को सत्त दिनों का 277.5 दिता वे ना, चलो ठीक है फिर यदा मल्टीप्लाई कर लो ये, यानी 25 चौके 100 एक मिलेगा, एक एक प्लस के बिच 4 चौक 16 160 और एक 157 ठीक है, और इतने भी किन्ना हो गया एक हुआ तो 161 तेनू जोड़ लो किन्ना हो गया 8 6 ते 5 किन्ना हो गया 11 दो पिया हो गया 3 318 यानी 277.5 माइनस कर दो ये तो तुसी क्या आ गया 5 पॉइंट आ गया जी 0 ठीक है, और 0 आ गया इधरों चले गए 31 चौ 27 गए जी 4 हो गया, यानी 40.5 आंसर आ गया, 40.5 आंसर आ गया। कुछ नहीं करे देखो आ टोटल दिता है, मैं इन्हों टोटल बना लिया बस ठीक है, या मैं इन्हों एवरेज बना, बट मैं देखा कि 7 दे नाल नहीं कटिया जा रहा तो बस आप वो कर लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन की है पहला सुनो, अगला क्वेश्चन हैगा भी कह रहा भी 20 ओवरां दी एक क्रिकेट गेम दे विच जिहड़ी रन रेट है वह 2.4 पर ओवर है, बट शुड बी रन रेट रिमेनिंग 30 ओवर टू बी रीच आ 308 रन। तो मेरी गल सुनो, रन रेट का मतलब होंदा है एक पारी दे विच बनाए गए रन, तो 20 ओवरां दे विच उन्होंने सिर्फ 2.4 के हिसाब के नाल किन्ने रन बनाए, तो तुसीं कहा 24 × 48 यानी 48 रन उन्होंने बनाए है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन रन बनाने किन्ने है आपने सर, रन बनाने हैं 308, किन्ने रन बनाने हैं 308, और ओवर किन्ने बचे हुए है, ओवर बचे हुए है जी 30, और अपन रन किन्ने बनाने हैं 308, तो 48 तो 308 बनाने वास्ते 8 और 40 तुसीं कहा जी आपां नूं चाहिए 260 रन 30 ओवरां दे विच, तो 30 ओवरां दे विच अगर 260 चाहिए तो 260 बटे दे विच लिखो जी 30 लिख लिया तो किन्ना आ गया जी 38 आ गया जी 24 दो भी 6 आ गया जी 18 ठीक है, दो भी फिर आ गया जी 6 हो गया 18 यानी 8.66 चाहिए ना, 38 24 20 फिर 6 18 बिल्कुल, तो 260 48 रन इन्होंने बना ले, हाँ नियरेस्ट वैल्यू करेक्ट इंटीजर 8.7 समथिंग आएगा, कोई दिक्कत वाली गल ही नहीं है ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की है, अच्छा अगला क्वेश्चन है कि भाई 30 बंदे सिगे जिन्हों की हाइट या 30 स्टूडेंट सिगे उन्हों की 140 नापी सी आप, बट गल की हुई कह रहे लेटर इट वॉज ऑबजर्व दैट वन ऑफ द ऑबजरवेशन वॉज इनकोरैक्टली, तो मैं इन्नी बार दस्या है कि 140 तो होगा ही होगा, जो किस्मत च लिखा गया ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਰ ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਇਹ 30 ਕਰ ਲਓ ਬਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ 140 ਔਰ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ 9 × 4 = 13 13 / 30 ਸਰ 13 / 30 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 13 / 30 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 13 / 30 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 0.4 ਯਾਨੀ 140.4 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 140.4। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ 12 ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੱਧਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੱਧਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਨ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ,
दो संख्यावां दे औसत दी गल करता है। ठीक है, तो दो संख्यावां दा औसत दो नंबर है, दो संख्यावां दा औसत किन्ना है, दो संख्यावां दा औसत यानी मैं क्या एक संख्या है एक्स एक संख्या है वाई, अगर दो नंबरां दा औसत 12 है तो सम हो गया थोड़े कोले 24 और दो संख्यावां दा अंतर तुहानूं दे ही रख्या है किन्ना 6 इज इक्वल टू दे विच किन्ना आ गया 6 अंतर किन्ना दे रख्या है 6 6 दे रख्या है एक्स और वाई का अंतर किन्ना दे रखा 6 मैं हूँ ऑप्शन का नहीं देखा है आ नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता आंसर कुछ भी चेक करने की भी लोड़ नहीं सी तुसी क्या क्यों भाई एक गल दसो इधर इन्हों का अंतर किन्ना 6 इन्हों के अंतर 6 नहीं सी 6 नहीं सी 6 नहीं सी कहानी खत्म सी बस। अगला क्वेश्चन की कहता है आ भी देखो कह रहा भी एक खास क्रम के व्यवस्थित कुल 9 किताबों विचों नौ किताबा है उन्होंने जड़िया पहलिया 5 किताबा हैं उन्होंने जोड़े पन्ने है उन्होंने जो 5 किताबों की गिनती उन्होंने जोड़े पन्ने है वह है बी 430 किन्ने है वह है 430। ठीक है, उस तो बाद जड़िया पिछलिया 5 किताबा है जड़िया पिछलिया 5 किताबा है उन्होंने जो गिनती है वह है 380 वह है जी 380। ठीक है, वो है जी 380 ते 9 जड़ियां टोटल 9 पन्ने है उन्होंने पन्ना की जो है औसत वो है इन्नी इन्होंने बोलिया 5वीं तो फिर उही गल जो ओवरलैप का केस हो किन्ना कट है ये सर 20 कट है ये किन्ना बद है ये सर 30 बद है और जो ये इक्वल होवे तो इन कट लो यानी प्लस 10 तो 50 का डेविएशन होगा यानी 50 इनू जोड़ दो बस 450 आंसर आ जाओ कोई दिक्कत वाली गल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन की कह रहा है अगला क्वेश्चन आ सेम थोड़े लिए आ होमवर्क हैगा सो अज दे लिए इन्ना बहुत है भाई। ठीक है, अज थोड़ा जा काम सीगा लेकिन मैं सोचा थोड़ी क्लास ना मिस होवे 20 क्वेश्चन मैं कराते कल आप थोड़ी लंबी क्लास लेके 40 क्वेश्चन कवर करांगे सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक भाई।